नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में अगले राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हर एक दिन इतने समय से देख सकल जैमें हमारे समाज में रोहल विकृति विसंगति हटा के असर सभ्य समाज के निर्माण के लिए हमारे का कर इस संबंध में हमारे चर्चा कर जाते थे। वैसे अक्सर कह के हमारे समाज में कौन से विकृति बा, हमारे ओके पहचान कैसे करे के तमाने साधन सूत्र के बारे में पता लगा के और हमारे कौन भी क्षेत्र में सफल बिल व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान करे के साथ में हमारे प्रत्यक्ष सहभागी करा के वहाँ से बात भी कर जाते। तो ऐसे आज हमारे विशेष कह के शिक्षा के बारे में हमारे बातचीत कर जी। शिक्षा कल जा हमारे के तीसरा आँख हो, यानी कि मानव जाति के तीसरा आँख काल के शिक्षा हो। यदि अब हमारे आँख बंद कर हल जी उस समय में कुछ नहीं देखल जी, यानी कि जोन हमारे आँख खोल गई बा उस समय में जति देखल जी ओकर बाद में यदि आँख बंद कर जी ते आँख बंद कर समय में वही चीज़ हमारे देखल जी जोन चीज़ हमारे आँख खुलल है उस समय में हमारे देखल गई कल के। मतलब ऐसा हो कि शिक्षा हमन के तीसरा आँख हो, हमन के जीवन सफल बनाए के लिए हमन के शिक्षा आवश्यक बा। शिक्षा का जो औपचारिक या अनौपचारिक हमन के कोनो भी शिक्षा रहे हमन के एकदम लेख आवश्यक बा। बिन शिक्षा के हमन के जोन जिंदगी बा जिंदगी अंजर हो नहीं सकी, यानी कि शिक्षा बिना के हमन के जीवन अंधकार में बीत सकी। यानी कि आजकल के जोन प्रवृत्ति के विकास संग्रह जमाना यहाँ से यहाँ तक पुग बा कि कंप्यूटर युग, यानी कि प्रवृत्ति के विकास संग्रह व्यक्ति इतना आगे बढ़ चुकल बाटे कि अब हमारे के एक व्याख्या के भी साध्य नहीं, यानी कि हमारे एक वर्णन करके नहीं सके। हमारे के यदि शिक्षा न रही तो हमारे जीवन अंधकार में बीती। कितना जने बाटे अब शिक्षा लेके नहीं खोजने, स्कूल लंबे बा फिर हम अकेले बाटी कल के। मतलब कि अब जे दुर्गम क्षेत्र में बा ओकर पहुँच से बाहर यानी कि घर से एकदम लंबे बा स्कूल या कॉलेज ते शिक्षा लेके नहीं खोजने ते ऐसा करके नहीं ठीक होते। इसने हमारे आज जोन की समुदाय के विद्यालय के हिसाब में हमारे देखा जीते एकदम ढेर दफे पुरस्कृत हो चुका। देवदा नगर पालिका 12 में अवस्थित शिक्षण मावी के पर दुधनाथ कंवर हमारे वहाँ से के बातचीत कर जी और कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज शिक्षण मावी में आप आके जोन किस्म के ई शिक्षण मावी एक ठो मधेश के विद्यालय हो के कारण से आज जन आप आवल गई ओके हम घमन के विद्यालय के तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से आप इंटरव्यू ले आल गई ओके हम सबसे पहले धन्यवाद देता थी। अब रह गई विद्यालय 2019 साल में स्थापना भेल रहा। 2019 साल से ई विद्यालय हमन के सिकटहन गांव में रहल, वहाँ से विद्यालय धीरे धीरे कोनो किस्म के प्रगति नहीं होत रहल। एक ठू बरगद के पेड़ तर उ विद्यालय संचालित भेल, वहाँ से 2042 साल में तत्कालीन प्रधान पंच कोदई प्रसाद यादव उप प्रधान पंच बेजन प्रसाद कंवर दोनों मिलके पहल कैलें आ यह विद्यालय यहाँ लावे के लिए चंदादाता बेचन प्रसाद कंवर धनी प्रसाद कंवर लालमन प्रसाद कंवर लगाए सब मिला मिलके 2042 साल में यह सिकटहन गाविसा वार्ड नंबर 7 ढुलबजवा में लैले। वहाँ से 2042 साल से ये विद्यालय 1-3 रहा। 2044-45 में 4-5 भेल। एकरे उपरांत 2054 साल में हम यह विद्यालय में प्रौ के रूप में नियुक्ति भैली। तब से लगातार हमन के 1-5 चलत रहल। एकरे बाद में 2054 में नियुक्ति भैले के बाद यहाँ के जनता यहाँ के अभिभावक सबके सक्रियता से अभी विद्यालय निमावी चलावे के परी कह के सबके खोज भेल और 2060 साल में हमन के यह विद्यालय में निमावी संचालन कैल गई। 1-8 तक पढ़ाई हुए लगल। एकरे बाद में हमन के फिर विद्यार्थी के चाम पढ़े लगल। एकरे बाद यहाँ के अभिभावक यहाँ के जनता सब मिला मिल के कहलें अब मावी के खोजबा। 2068 साल में हमन के यह विद्यालय मावी संचालित भेल। 2000
68 से हमन के मावी चलावत चलावत फिर हमन के जनतन के एक अभिभावक के विद्यार्थी के अनुपात में अब यहाँ 11-12 चलावे पड़ल कहके मांगे। 2076 साल में हमन के 11-12 विद्यालय संचालन गल गए। अभी तक ले हमन के विद्यालय 1 से 12 चलत बा कहके हम आपके जानकारी करावत हैं। सामुदायिक विद्यालय में अब थोड़ी शुल्क होते हुए भी अब काहे ते निजी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़े खोजने इकर तमाने कारण बा। सब जन के धारणा यह एकमात्र बा कि बड़े से पढ़ाई सामुदायिक विद्यालय में नहीं होते, निजी विद्यालय में बड़े से पढ़ाई होते कि ढेर मात्रा में सभी बात हो। काहे से अब सरकारी जो स्कूल बा ढेर मात्रा में शैक्षिक गुण स्तर एकदम घटल अवस्था में बा। अब विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब शिक्षक लोगन भी बड़े से पढ़ाई नहीं सकने, समय में नहीं पुगाने, अब महीना के भी कितना दिन हाजिर होने ना तो बाद कृपा बाद में भी शिक्षक रहने सर्टिफिकेट के भर पर नौकरी पात बाटी जिके से शैक्षिक गुण स्तर घटित जाता। यानी कि अब सर्टिफिकेट के हिसाब से उस अब योग्यता बाटे फिर भी ओखान के पास उतना ज्ञान नहीं बा, यानी कि खूबी नहीं बा। ते ऐसा ऐसा जो सरकारी विद्यालय में बाटे बकिन का अब कितना जने देखा जा कि सरकारी विद्यालय में बड़ी से नहीं पढ़ रही हैं फिर भी अब वह सब ट्यूशन का जा बढ़िया से पढ़ी हैं। ढेर से ढेर महंग शुल्क तिर के भी निजी विद्यालय में बाध्य होके पढ़े जाने रहर नहीं कि बाध्यता हो। ते वैसे अब कितना जने बाटे आर्थिक स्थिति कमजोर रहला साँझ भी नहीं खा के न खा के अपन लैकन के बढ़िया शिक्षा हासिल करा कहके निजी विद्यालय में पढ़ाई पठाने। सब स्कूल वैसा नहीं बा, उदाहरण के रूप में शिक्षण मावी जो कि स्थापित हो सकल बा, यानी कि हमन के सरकारी विद्यालय के हिसाब से उत्कृष्ट हो सकल बा और एकर तमाने विशेषता बा। अब यहाँ हमारे देखा जीते पढ़ाई एकदम बढ़िया बा, जो ना तो बात हमारे कृपा बाद में कहा जीते यहाँ के शिक्षक लोगन बाटे वैसे नहीं बाटे। विद्यार्थी बड़े होने के लिए जो अभिभावक बाटे ओखन की भी भूमिका निर्वाह करे पड़ला और जो शिक्षक बाटे ओखन के महत्वपूर्ण योगदान होक चाहिए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भी अच्छा बा, ओकर साथ में जो अभिभावक बाटे उस सब भी अपन जो लड़का बाटे उस सबके समय में पढ़ात बाटे, यानी कि बढ़िया से निगरानी करत बाटे। ते वैसे जो स्कूल बा निजी विद्यालय के कितना विद्यार्थी बाटे ये जो हमन के सामुदायिक विद्यालय शिक्षण मामी में कितना विद्यार्थी यहाँ भरना हो आने तमाने सामुदायिक विद्यालय बाटे ते और सामुदायिक विद्यालय के तुलना में एक नंबर ते बटले बा। फिर भी जो निजी विद्यालय बाटे ओखन के तुलना में भी आगे बढ़ चुकल बा। अनुसंधान कल जा ते कितना निजी विद्यालय के विद्यार्थी बाटे वहाँ के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन के लिए आ चुकल बाटे। हर एक हिसाब से स्कूल आगे बढ़ते जात बा। सामुदायिक विद्यालय के अब तुलना कल जा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट बा, एक मुख्य कारण का हो सके थे। एकदम बड़ा अच्छा मार्मिक प्रश्न आप सोझल गए। ई विद्यालय में हमन के 2060 साल में हमन के एक ठू हमन के सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन कार्यक्रम आयल हल। हमन के वो व्यवस्थापन जिम सामुदायिक व्यवस्थापन के कार्यक्रम में हमन के सहभागी भेल गए और हमन के वहाँ से का कहने नेपाल सरकार से हमन के सर सुविधा जो रहल वो भी देहलस आ उसे हमन के विद्यालय में थोड़ा सा टीचर के अभाव रहा, टीचर भी सहयोग कैलस और व्यवस्थापन भी सहयोग कैलस सब कुछ के सहयोग कैलस। हमन के विद्यालय एकदम यहाँ के 2-4 बोर्डिंग के नजीक वाले बोर्डिंग भी रहने इ विद्यालय जब सामुदायिक विद्यालय हमन के शुरू है तब उ विद्यालय के भी वहाँ से काबिल की विद्यार्थी बहुत कम भैले। हमन के विद्यार्थी 1 से 8 तक ले हमन के विद्यार्थी संख्या ओ वक्त में हमन के 900 पुगल रहा। तब हमन के बीच में नेपाल सरकार फिर सामुदायिक व्यवस्थापन जिम्मा हटैले के बाद में थोड़ा सा हमन के विद्यालय में विद्यार्थी कमी भेल। तब पर भी आज तक ई विद्यालय हमन के जौन किस्म के हमरे चलावल जाता जौन किस्म के हमन के सब मिला मिल के कैल जाता आज हर एक चीज में यहाँ से बोर्डिंग हमन के जौन विद्यालय बा उ बोर्डिंग से उत्कृष्ट आवाता। हर साल में हमन के नगर पालिका से भी ई विद्यालय यहाँ के हम प्र सबके नगर पालिका भी पुरस्कृत कैले रहल। एक बाद में 67 के लास्ट में 68 साल में ये हमन के आर्थिक वर्ष गई उ आर्थिक वर्ष में ये विद्यालय के प्र के रूप में हम रहली। लुम्बिनी प्रदेश से ई विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में हम घोषित भैली। ई विद्यालय अभी तक ले हमन के जौन किस्म के हमन के सब मिला साथी लोग मिल के चलावल जाता अभी हमन के
यहाँ यह विद्यालय में पढ़ साल हमन के 924 जना विद्यार्थी रहने। अब फिर हमन के विद्यार्थी पक्के बढ़े ही कहे से बोर्डिंग के विद्यार्थी हमन के लगभग 150 भरना हो गए बाटे। हमन के विद्यार्थी अभी भरना नहीं हुई बाटे। ऐसे और सबके यहाँ के पढ़ाई के बोर्डिंग के पढ़ाई के विद्यार्थी अपने बोर्डिंग के आयल बाटे, उन्हें अपने कहा तटे कि हमन के सरकारी विद्यालय में अच्छा समन के बुझल जाता पढ़ल जाता कह के उ लेके अपन ही अच्छा मान के एक से दूसरे लैके कहलें, दूसरे अभिभावक से कहलें, वो अपन अपन लैका ला के सब भर में करावत रहते हैं। जो हमन के समाज में छाप पड़ गई बा कि हमन के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई पड़ी बढ़िया पढ़ाई होला कि गुणस्तर बढ़िया रहा कि फिर भी जो एक सामुदायिक विद्यालय बा और सामुदायिक विद्यालय के तुलना में आगे बढ़ले बा, फिर भी जो आप कहल गए जनता बाटे स्थानीय बाटे वो सबके भी कहा बा कि यहाँ बोर्डिंग स्कूल से भी बढ़िया पढ़ाई होला और एक उदाहरण भी बनल बा, तेकर खास एक रहस्य का होते अब कौन हिसाब आगे बा। हमन के देखल जा हमन के इंग्लिश मीडियम थोड़े दिन चलावल रह गए, इंग्लिश मीडियम हमन के ना हमन के कह के हम एक कक्षा दुई कक्षा तीन कक्षा में हमन के ग्रेट टीचिंग चलत रहो। हमन के दुई मास्टर कक्षा में जा लें, दुई मास्टर उन्हें पाँच अपने किस्म से 10 से 4 बजे तक उन्हें पाँच अपने किस्म से कार्यक्रम कह के उन्हें पाँच पढ़ावा देते हैं। और सबसे पहले जब तक विद्यार्थी के 1, 2, 3 में रही हैं तबे आगे विद्यार्थी हुई हैं। हमन के एक में विद्यार्थी पर साल 80-85 जना रहें, दुई में वैसे रहें 90 जना, तीनों में वैसे हमन के लगभग लगभग 70-80 जना रहें। ऐसे हमन के जो यहाँ के 1, 2, 3 के हमन के जो हमन के ग्रेट टीचिंग लागू कर गया बोर्डिंग के विद्यार्थी के लिए बोर्डिंग के बाट जो लेके आवत रहते हैं हमन के स्कूल ओर ओके टू आकर्षित के रूप में वह मान्य अभिभावक आ लैके लेता है। विद्यालय उत्कृष्ट बा अब एमा केकर मुख्य भूमिका हो सके जिससे अब अभिभावक कहा जा कि अब शिक्षक कहा जा या विद्यार्थी के। अब जैसे आप कहल गए कि विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षक उत्कृष्ट एकदम सही बात हो, इस सब से हमन के एक टू हम हमारे टू हेडमास्टर के हैसियत से हम उत्कृष्ट नहीं कह पाए। इस सब के यहाँ के व्यवस्थापन समिति यहाँ के अभिभावक यह विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी लगाए सबके यहाँ सबके देन बा, उसे सब मिला अपन जौन किस्म के उन्हें पाँच के शेड्यूल बा जौन किस्म से उन्हें पाँच के अपन अपन जिम्मेवारी बा सब बहन करत बाटे। इसे हमन के आज यह विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षक उत्कृष्ट भइल बाटे। दूसरा बात देखल जाए हमन के गुणस्तरीय शिक्षा हमन के टू रीड नेपाल कह के संस्था बा, फेडो कह के संस्था बा, ग्रीन तारा कह के संस्था बा, उस संस्था हमन के 3 वर्ष के लिए समझौता कर ले रहा, उस 3 संस्था मिलके हमन के बहुत विद्यालय के उत्कृष्ट बनावे के लिए एकदम विद्यालय के पढ़ाई के क्वालिटी बनावे के लिए हर एक चीज़ के सहयोग कैलें। आ हमरो भी अपन किस्म के हमन के शिक्षक साथी लोग बाटें क्लास में जाइ हैं तो शैक्षिक सामग्री बना के तब क्लास में प्रवेश करी हैं, पाठ्य योजना लेके जाइ हैं, जितना का वर्णन की पढ़ावे के बाद 1 घंटी के पहले 2 घंटी के पहले सब कुछ देख के तब वो कक्षा में प्रवेश करी हैं। ऐसे आज सब यहाँ के जितना अभिभावक बाटे उन्हें पाँच के बाल बच्चे बाटे आज यह विद्यालय प्रति उन्हें पाँच के एक ठू जागरूक जागरूक। ऑनलाइन क्लास चला जाता कि नहीं? हाँ हमन के देखा जाए यह ऑनलाइन कक्षा नहीं चलत बा, हमन के कहे से के खरीदे के मोबाइल में अब 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपया लगाता वो अभिभावक लोग नहीं खरीद पावा देने। हमन के रेडियो शिक्षा कार्यक्रम थोड़े दिन चलावल गए ओके हमन के विद्यालय के तरफ से एक संस्था के तरफ से हमन के 90 हमन के रेडियो अभिभावक में हर एक गाँव में टोल टोल में 10, 5, 2 कह के हमारे बाँटल रह गए। और रेडियो कार्यक्रम शुरू भेल बा, अब वो अभिभावक लोगन अपन बाल बच्चन के रेडियो खोल के चलावत बाटे। हाँ जो नहीं ऑनलाइन क्लास बा और विद्यालय में चलत बा चाहे अब निजी विद्यालय हो या सामुदायिक विद्यालय हो, अब वैसे तो हमन के जो एकदम ही शिकायत बा अभिभावक लोगन से जिससे अब एक टूते आर्थिक भार पड़े बा जो अब हमारे ऑनलाइन शिक्षा पढ़े नेट की आवश्यकता पड़ी आते अब नेट कहल के अब मोबाइल चला के लिए कि कंप्यूटर लैपटॉप हो पड़ी कि हमन के मोबाइल अच्छा मोबाइल हो पड़ी आते अब जगह आर्थिक हिसाब से नाजुक बा
अब एक टू आर्थिक भार पड़ ले बा ओकर बाद में जो एक टू हमन की एकदम शिकायत मिलत बा जो विद्यार्थी बैठे वो सब अब स्कूल में तो बड़े से नहीं पढ़ पाते रहने अब ऑनलाइन में अब बड़े से नहीं पढ़ने फिर भी एक टू अब तमाने मेरे के गेम खेली हैं फ्री फायर खेली हैं तो एमा आपकी धारणा का बताए। हाँ एकदम सही आप एक प्रश्न कहल गए। आज सब बोर्डिंग में ऑनलाइन कक्षा चलावत रहे उन्होंने पाँच अपन वह किस्म के अब सहयोग लेत भी बाटे हमन के ग्रामीण क्षेत्र में। अब बेचारे गरीब उन्हन के सबसे पहले अच्छा मोबाइल चाहिए है छोटका मोबाइल से भी काम नहीं चली बड़का मोबाइल चाहिए। एक बाद में विद्यालय में हमन के लैपटॉप बा हमन के सब कुछ बा हमरे हमन के स्रोत साधन हैल भी बावजूद हमन के लैकन के गाँव घर में गरीब के लैके बाप महतारी नहीं किन पावत अटे इसे हमन के असंभव बा। फिर दूसरा बात बा ग्रामीण में हमन के शिक्षण में भी बा ग्रामीण के अब स्तर कौन किस्म के बा यो भी हमन के देखे पड़ता। इसे अब यहाँ के सब लगभग लगभग अब मोबाइल विहीन बाटे मोबाइल बटलू बा तोहन के कहू के सुनि भर के बा आ केहू के घर में मोबाइल बा तो लैकन के पर्याप्त रूप में दे नहीं पावत अटे इसे हमन के ऑनलाइन कक्षा चलावे के असंभव। लॉकडाउन लंबा समय से होत बा अब कितना जने ऑनलाइन कक्षा चलात बाटी एमा का होत बा कि जो विद्यार्थी बाटी अब ओखन में एकदम नकारात्मक असर पुगल ते अब एमा का कैसे हल जी आप। अब लॉकडाउन देखल जाए लॉकडाउन ते लगभग लगभग डेढ़ वर्ष लगभग हो गए। अब लॉकडाउन में हम उनके सब साथी लोग कहत अटे कि चलावा का कहना ऑनलाइन कक्षा लेकिन ऑनलाइन कक्षा कहीं भी साथी लोग चलावत हुई हैं उन्हन के जौन किस्म के पढ़ाई हमन के भौतिक रूप में देख सकत रहल गए स्कूल में बोला के उ किस्म के नहीं हो पावता तब पर भी उही सब साथी लोग हमके संतोष करे पड़ता। आ ई हमन के ऑनलाइन कक्षा चलैले के बावजूद भी अब एकरे लिए सबसे पहले ऑनलाइन कक्षा चलावे के लिए उनके अभिभावक जागरूक होक चाहिए वह विद्यार्थी के कोठा एक ठू अच्छा होक चाहिए वो विद्यार्थी के मोबाइल भी अच्छा होक चाहिए सब कुछ ओकरे पास रही तब हमन के कक्षा चला पावल जाए नहीं तो हमन के मोबाइल रह के का करी अब ओकर पास डाटा नहीं बा वाईफाई नहीं बा अब कौन किस्म के कैसे चलाई डाटा लेके चला नहीं पाई वाईफाई गाँव गाँव में नहीं बा हमन के देहात में ऐसे हमन के ये समाज में ये जगह पर हमन के ऑनलाइन कक्षा चलावे के बहुत असंभव बा। हमन के विद्यालय में अभी तक ऑनलाइन कक्षा हमरे चलाई तो भी नहीं बाटी अभिभावक से कहल जाला अभिभावक लोग ओकर खर्च जो देखा तटे बहुत ढेर पड़ता इसे हमारे अभिभावक के दबाव नहीं दिखल जाता। लॉकडाउन भइल बा लॉकडाउन कैले के बाद विद्यालय भौतिक रूप में नहीं चल पावता उपस्थिति होके नहीं चला मिलता ऐसे कोरोना के जौन बा बस जीप सब चलाता बाजार लगत बा बाजार खुलत बा ऐसे ई कैले से हमन के कोरोना कम हुई कह के अब विद्यार्थी लगभग लगभग दुई तीन महीना जमा पढ़े पोले बाटे डेढ़ वर्ष के दौरान में जितने अब हमन के ये लॉकडाउन लंबे कैल जाए उतने विद्यार्थी के मनस्थिति घटल चल जाता। अभी तत्काल हमन के 12 कक्षा के जांच एकदम नजीक आके भी हमन के नाई भेल केंद्र से निर्णय हो गए कि 12 कक्षा के जांच स्थगित हो गए ऐसे विद्यार्थी के जो पढ़ले रहें जो मनस्थिति जनले रहें उन्हें के थोड़ा सा तनिक कठेस लगल कि हमन के इतना पढ़ लिख के हमन के जांच फिर सर गई कहीं के हुई कि नहीं हुई कहीं के एक टू मन में तराश भी बा। लॉकडाउन से एकदम असर पुगल बा अब जहाँ ऑनलाइन क्लास होत बा वहाँ भी बढ़े से नहीं पढ़ बाटी और ते जो अभिभावक बाटे उन की का कहे सर। हम कहा था कि ये संपूर्ण अभिभावक के ये विद्यालय के जितना लड़के पढ़े आवल हैं ये कैचमेंट एरिया भीतर के जितना अभिभावक बाटे विद्यार्थी बाटे हम सबके ये कहल चाहते हैं कि लॉकडाउन में सबके अपन घर के खर्च बर चलाए के भी उन्हें पाँच के समस्या पड़ता। अब उस समस्या के देख के विद्यार्थी की भी अभिभावक लोग काम करे पठावा तटे कहीं काम भी शुद्ध से नहीं पावा तटे ऐसे हम संपूर्ण अभिभावक यह के हमारे विद्यालय के लगाए सबके अभिभावक के हम ये कहल चाहती कि अपन बाल बच्चन के
अच्छा से ऑनलाइन कक्षा नहीं चलत बा, तब हमन के किताब बांटल गईला और हमन के सामग्री भी बांटल गईला, हमन के गांव गांव में पुगल जाता। ओके, आप लोगन सब अपन बाल बच्चन के अच्छा से पढ़े के लगा के र बीच बीच में हमन के उ का कहना है हमन के आके प्रश्न पत्र भी हमरे बांटल गईला सब विद्यार्थी के, ऐसे आप लोगों के विद्यार्थी के सचेत करा के उन्हन के पठन पाठन के सुचारू रूप कई धैर्य कह के हम आप लोगन के अनुरोध करत बाटी। ये नेपाल में जितने बाटे हमन के अभिभावक सबके ऑनलाइन कक्षा भी पढ़त हुई हैं और वैसे भी विद्यार्थी नाई बैठल हुई हैं घरे, केहू पाठ पुस्तक पहले हुई, केहू स्वाध्यान सामग्री पोले हुई, उस सबके संपूर्ण विद्यार्थी के हम कहत बाटी कि अपन अपन जगह से अभिभावक के कहत बाटी कि अपन अपन जगह से सब विद्यार्थी के अच्छा से पढ़ाई के लिए ध्यान दिया जाए कह के हम अपन तरफ से सब अभिभावक के अनुरोध करत बाटी। जब तक शिक्षक अनुभवी बढ़िया नहीं रहे तब तक हमारे बढ़िया शिक्षा पा नहीं सकल। शिक्षक के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे के साथ में जो उनके अभिभावक बाटे हैं वो अभिभावक भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे सके पड़ी। शिक्षक बाटे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई खोजी हैं, अपन लैकन के निजी विद्यालय में पढ़ाई खोजी हैं, एक इसे का पुष्टि होत कि सरकारी विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई नहीं होत कह की अपने उदाहरण धाले बाटी शिक्षा कैसे प्रभावकारी हो सकी थे, गुण स्तर कैसे बढ़ सकी अपन लैकन के चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़े पढ़ावा चाहे निजी विद्यालय में अपन अधिकार के बात हो। बकिन का यो एक जोन हमन के अभिभावक बाटे हमन के स्थानीय बाटे उस सभी एम निगरानी करे आवश्यक बा। सरकारी विद्यालय में यदि बढ़िया पढ़ाई करे रहे ते जोन शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ात बाटे उस शिक्षक के लड़का बाटे ते उस सब लड़का भी वही स्कूल में पढ़े बाध्य करा सकी तब भर के उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो सकी। कैसे अब सब जने ऐसे नहीं सोचने तला पैबे करब हम तेजी से पढ़ाब कोनो बात नहीं बा हमारे लैका बाहर पढ़ते बाटे कहीं ओखन के एक सोच रहा यदि वह स्कूल में पढ़त रही हैं तो बढ़िया से पढ़ी हैं। आप सब भी एक बात के मनन करे आवश्यक बा हमन के जितना भी अभिभावक बाटी हमन के जितना भी स्थानीय बाटी हमन के जितना भी शिक्षक बाटी यदि हमारे सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होते कहीं हमन के सोचे बा अपने पुष्टि करे बा ते अपन लैकन के भी सरकारी स्कूल में वह स्कूल में पढ़ाए के जरूरी बा। अपन घर लंबे रहला वह स्कूल में पढ़ाए ना सका तब पर भी जहाँ घर वही के स्थानीय स्कूल में पढ़ाए आवश्यक बा। जब तक सरकारी विद्यालय के जोन शिक्षक बाटी यदि अपन लैकन के सरकारी स्कूल में पढ़ाए नहीं सकी हैं तब तक हमन के शैक्षिक गुण स्तर बढ़े नहीं सकी। एक हम आपसे कहल चाहत थी कि आज ये हमन के एक विकट जगह पर आज बुद्ध टेलीविजन के हमन के राज सर आके जो हमन के एक यहाँ के विद्यार्थी के अभिभावक के समस्या ये लॉकडाउन में कोरोना के कारण से जो सुनले अथवा केहू से पता लगैलें तो आज यह विद्यालय में जो आयल बाटे हमन के राज सर हम उनके ये विद्यालय के तरफ से व्यवस्थापन समिति के तरफ से और अपन व्यक्तिगत तरफ से हम राज सर के धन्यवाद देते बाटे। ऐसे हमरे बातचीत करते विद्यालय समय हो गया अति कार्यक्रम देखल गया संस्कृति सरोवर आपके हृदय से धन्यवाद। ऐसे आज हमरे बातचीत कल गया देवधर नगर पालिका 12 अवस्थित सिकटहन मावी के पर दूधनाथ कौर से जोन के इस क्षेत्र में एक नंबर में रह के सफल बा। सामुदायिक विद्यालय के तुलना में ते आगे बढ़ले बा फिर भी निजी विद्यालय के तुलना में भी आगे बढ़ चुकल बा ते एकन अपन तमाने कारण बा जोन की शिक्षक बाटी अपने लैका सरा जोन विद्यार्थी बाटो गहन के शिक्षा देत बाटी और जोन अभिभावक बाटी वो भी लैका स्कूल गेल बाटी कि नहीं गेल बाटी वो सब निगरानी करत बाटी। ऐसे हमरे कर सके तब भर के सामुदायिक विद्यालय बा आगे बढ़ सके निजी विद्यालय के विद्यार्थी से ज़्यादा चाप सामुदायिक विद्यालय में हो सकी सामुदायिक विद्यालय के गुण स्तर बढ़ सकी। ये कथा हम संचालक राज भी आपसे विदा होती देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। नमस्ते।